हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण का ये रहस्य कि मेघनाथ को सिर्फ लक्ष्मण क्यों मार सकता था, भगवान श्री राम क्यों नहीं? मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी कहीं ज़्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाथ अजर अमर न हो सके। एक बार ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के दरबार में कहा कि रावण के पुत्र मेघनाथ को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? मेघनाथ बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली होता था। उसके जन्मोपरांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तत्पश्चात उसका नामकरण मेघनाथ हुआ। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लखन सहित पूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध संभव नहीं है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित अनेक तपस्वी ऋषि मुनि आदि भगवान राम से मिलने व आशीर्वाद देने वहाँ पर उपस्थित हुए। उस समय मुनि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम से कहा, राम, आपने रावण व कुंभकर्ण को मारा जो अति दुर्बल था, लेकिन अधिक विशाल संग्राम लक्ष्मण ने मेघनाथ से किया था। मेघनाथ का वध सबसे ज़्यादा विषम था। गुरु के वचनों को सुन प्रभु श्री राम अचंभित हो गए, क्योंकि वे मेघनाथ की प्रबलता व उनके वरदान से अनभिज्ञ थे। तभी अगस्त्य मुनि उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मेघनाथ विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्यास्त्र थे। तीनों महास्त्र ब्रह्मा, नारायणास्त्र व महादेव का पाशुपतास्त्र भी था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे रथ पर रहते हुए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसी कारण उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी होने का स्तर प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से भी युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और समस्त शास्त्र प्राप्त किए। उसकी शिक्षा प्राप्त होते ही रुद्र ने स्वयं ही कहा कि उसे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु उसका वध केवल लक्ष्मण के ही हाथों संभव था। महर्षि की मुख से वाणी से मेघनाथ का ऐसा वर्णन सुनकर भगवान राम विस्मयित रह गए और बोले, लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा है और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्यास्त्र थे, किंतु उसे पशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान सिर्फ मेघनाथ को ही था। फिर भी लक्ष्मण किस प्रकार मेघनाथ का वध करने में सफल रहे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे? इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, आपका कथन सत्य है। जितने दिव्यास्त्र मेघनाथ के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, किंतु मेघनाथ को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया, तब मेघनाथ ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और इन्हें लंका ले आया। इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। जब इंद्र को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी उसके द्वार पर पधारे तो ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को कहा और अपने प्राणों की रक्षा व अमर रहने हेतु उसने वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक ना तो भोजन ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निंद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक सोया न हो। उसके इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाथ की कैद से मुक्ति प्रदान की। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला?
प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग श्री राम को ही गुणगान करते रहते हैं, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैंने उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पैरा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से वेद दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फूल फल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, इससे बिना अन्न किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और मेघनाथ मारा गया। यह सुनते ही प्रभु श्री राम फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ कथाएँ एवं जानकारियों को सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।